उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में जीवा गैंग का एक बदमाश घायल हो गया, जबकि एक भागने में सफल रहा। घायल बदमाश को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पंजाब के अमृतसर में एक घर में अवैध रूप से चल रहे पटाखे फैक्ट्री में धमाका हुआ। यह धमाका इतना जबरदस्त था कि आसपास के 3 घरों की छतें गिर गई। करीब 12 लोगों का मलबे में दबे रहने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने 9 लोगों को बाहर निकाल लिया है। वहीं पुलिस ने अवैध रूप से चल रही पटाखे की फैक्ट्री पर जाँच करने की बात कही। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में सीमेंट कंपनी में खड़े ट्रक में अचानक आग लगने की वजह से ट्रक कैबिन में सो रहे चालक की जलकर मौत हो गई। वहीं फायर ब्रिगेड द्वारा आग बुझाई गई और शव को बाहर निकाला गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान महिला की मौत पर गुस्साए परिजनों ने जमकर हंगामा किया। हंगामे की सूचना पर एसएसपी और एसपी सिटी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और काफी देर की कड़ी मशक्कत के बाद परिजनों को कार्रवाई का आश्वासन देकर मामला शांत कराया गया। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में सैकड़ों गाँव के ग्रामीणों ने बाइक रैली निकाली। आपको बता दें कि भगवान हलधर बलराम को धाकर समाज के लोगों ने अपना इष्ट देव भगवान माना है और उन्हीं के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में ये रैली निकाली गई। वहीं दूसरी ओर बाइक रैली का जगह जगह पर कई सामाजिक संगठनों द्वारा फूलों से स्वागत किया गया। पंजाब में अमृतसर के बगर मंडी के पास नाबालिग बच्चे नशे का कारोबार करते पाए गए। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से नशे का सामान बरामद कर मामला दर्ज कर लिया। आरोपी युवक के मुताबिक बेरोजगारी के चलते वो राह चलती महिलाओं से पर्स छीनने की वारदात को भी अंजाम देते थे। फिलहाल आरोपियों से जांच जारी है। बिहार के बेगूसराय में मोबाइल चोरों को पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि शाम होते ही ये बदमाश मोबाइल चोरी की घटना को अंजाम देते थे। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस ने घेराबंदी कर चोरों को गिरफ्तार करके जेल भेजा।